कुमार पांडे, ये ढोल नगाड़े की जो आवाज सुन रहे हैं, दरअसल ये जीत के जश्न के पहले की तैयारी है। जीतने के बाद इससे भी तेज बजाएंगे हम, क्योंकि हम सब तैयार हैं। एक बार फिर से वही हमारा दुश्मन हमारे सामने है, एक बार फिर से इतिहास दोहराएंगे। 10 साल पहले इसी दुश्मन को हराकर हमने वर्ल्ड कप जीता था, और इस बार बारी मिनी वर्ल्ड कप की है, यानी कि एक बार फिर से घुटने टेकेगा पाकिस्तान। मुकाबला बड़ा है तो तैयारियां भी बड़ी हैं, न सिर्फ इंडियन टीम की, हमारी भी तैयारियां हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आंकड़ों पर नजर डालिए और समझने की कोशिश करिए कि ओवल के मैदान पर होने वाले इस जंग के पहले इंडिया कितना मजबूत है, पाकिस्तान कितना मजबूत है, कौन शिकार करेगा और कौन शिकार हो जाएगा। यह रिपोर्ट। डंका बच गया, मुनादी करा दी गई, रणबांकुरे तैयार हैं, जोश है, जुनून है, भावनाएं उबाल मार रही हैं। एक बार फिर सबसे बड़ा दुश्मन सामने होगा। एक बार फिर विराट सेना शिकार करेगी, एक बार फिर घुटने टेकेगा पाकिस्तान। Cool under pressure, what a shot. In the air, Srishant takes it. India win. तस्वीरें याद हैं, ये आज याद है एक एक लम्हा जब जज्बा। आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 10 मैच खेले गए, जिसमें भारत ने 8 मैच में जीत हासिल की और पाकिस्तान सिर्फ 2 ही जीत पाया। अब ओवल में दोनों टीमों के रिकॉर्ड पर नजर डाल लेते हैं। भारत ने अब तक इस मैदान पर 14 मैच खेले हैं, जिसमें 5 में जीत मिली है, 8 में हार और 1 मैच बेनतीजा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने इस मैदान पर 9 मैच खेले हैं, 2 में जीता और 7 में हारा है। लेकिन आंकड़ों को भूल जाइए, एक नया दिन, एक नया मैच और एक नई जंग। एक बार फिर विराट के सूरमा शिकार को तैयार हैं। हालांकि पाकिस्तान की टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन विराट की सेना से पार पाना आसान कतई नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए तो ये रिपोर्ट आपने देख ली। बस भैया बस करो, बस करो, बस करो, अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी पाकिस्तान को पीटना है, जीतना है, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाने हैं। उससे पहले ढोल नगाड़े तो बजने शुरू हो, क्या करें, हम इंडियंस हैं। और भाई सामने पाकिस्तान हो तो हराने का मूड तो ऑटोमेटिकली बन जाता है। लेकिन उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, मिलवा देते हैं हमारे आज के खास मेहमानों से। ये एक टेबल खाली है, यहाँ भी एक खास मेहमान आएंगे, उनसे मिलवाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मिलवाता हूँ, रुचि रस्तोगी जी हैं, टैरो कार्ड एक्सपर्ट है। रुचि जी बहुत स्वागत है आपका। अश्विनी जी है, इनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, कई बार जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो ये जरूर होते हैं हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर। और सोनू शर्मा जी है, सोनू जी पूर्व रणजी प्लेयर हैं और जो तमाम प्लेयर्स इस वक्त टीम इंडिया में खेल रहे हैं उनमें से कईयों के साथ ये साझा कर चुके हैं उस मैदान को, जिस मैदान पे हम चौके छक्के लगाते हैं, यानी क्रिकेट का मैदान साझा कर चुके हैं। चलिए तो सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज कौन जीतेगा। लेकिन उससे पहले
टॉस कौन जीतेगा, टॉस की महत्ता पहले आपको बताएंगे फिर बताएंगे टॉस जीतेगा कौन। टॉस कितना इंपॉर्टेंट है ओवल के मैदान में अश्विनी जी? गौरव जी, आज की तारीख में, आज के मैच में टॉस काफी बड़ा रोल अदा करेगा और जो भी टॉस जीतेगा डेफिनेटली मुझे लगता है वो फील्डिंग ही लेगा, बैटिंग उसको चेज करने के लिए जरूर वो मैदान में उतारेगा। अभी तक जितने मैच हुए हैं जो पिछला देख रहे हैं तो चेज करना बेटर है, ये मेरे प्रेडिक्शन है। और इंडिया अगर टॉस जीतता है और उनको अगर पहले बैटिंग के लिए बुलाता है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। टॉस जीतो पहले और उसके बाद फील्डिंग करो पहले। देखिए अब टॉस मेरे लिए तो इतना मैटर नहीं करता, जिस हिसाब से हमारा देश खेल रहा है और प्रेशर इस बार पाकिस्तान पे ऊपर है, पाकिस्तान को हमने हराया, ओवल का मैदान है और पूरा बैटिंग विकेट है, तो मेरे हिसाब से मैटर नहीं करता। जिस हिसाब से हम अच्छा खेल रहे हैं, चाहे टॉस हारें चाहे जीतें, मैच हम जीतेंगे। सॉरी, ये बातें जो है ना बड़ी अच्छी लगती है, खासकर जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो ये बातें दिल को छू जाती हैं, दिल को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ एक बार जान लेते हैं रुचि जी, आपके कार्ड्स आज क्या कह रहे हैं, टॉस कौन जीतेगा इंडिया पाकिस्तान? बिल्कुल, देखूंगी कार्ड्स क्या कहते हैं। दिल तो कहता है कि इंडिया ही जीते और पहले बैटिंग उनको पाकिस्तान की टीम को दे, लेकिन देखते हैं कि स्टार्स कितना सपोर्ट करें, कार्ड्स कितना सपोर्ट करें। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया जीतेगी टॉस और बैटिंग देगी पाकिस्तान को पहले आज। टॉस जीतेगी इंडिया। चलिए, ये अच्छी अच्छी खबरें मिलती रहे ना तो अच्छा अच्छा सा फील होता रहेगा और आप सब इंतजार कर रहे हैं। तो इंडिया टॉस जीत रहा है, ये टैरो कार्ड से मिल गया, तो एक बार टॉस जीतने की खुशी में तो भाई बनना है, जरा हो जाएगा। टॉस जीतने दीजिए, उसके बाद इससे और ज्यादा तेज बजवा लेंगे। अभी सिर्फ प्रेडिक्शन है कि हम टॉस जीत रहे हैं। टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला सिर्फ इसलिए क्योंकि ये प्रेशर मैच है, उस प्रेशर मैच में जब आप ये अब सेकंड बैटिंग करते हैं तो आपके सामने एक टारगेट होता है, नर्व्स कंट्रोल कर सकते हैं आप इसलिए। गौरव जी, आज बहुत कुछ होने वाला है, बहुत टीवी टूटने वाले, बहुत बम पटाखे बजने वाले, जैसे ढोल बज रहा है इस ढंग से नगाड़े भी बजेंगे। आज क्रूशियल और बड़ा टफ तो नहीं कह सकते, इंडिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन, बड़ी अच्छी बॉलिंग लाइन और सब कुछ कुल मिला के हम लोग अगर निचोड़ निकालें तो 80-20 का मामला है, 80% इंडिया के फेवर में है। 80% इंडिया के फेवर में, ये सुन के बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पाकिस्तान की टीम भी ऐसा नहीं है कि उनके पास वो सूरमा है नहीं है, उनके तरकश में तीर नहीं है। सरफराज की टीम में भी एक से एक खिलाड़ी और शायद आमिर फिट हो गए हैं, तो आमिर का खेलना कितना मुश्किल करता है सिचुएशन को। देखिए टीम तो बैलेंस्ड है, अगर देखा जाए तो एक हार के बाद उन लोगों ने भी कॉन्फिडेंस गेन किया है और उनके प्लेयर्स फिट होने से फर्क तो पड़ता है। उनके पास यंग साइड है, यंग साइड प्रेशर में भी आ जाती है और जिस दिन प्रेशर में नहीं आती उस दिन तंग भी कर सकती है, बट हमारे पास महारथी हैं, तो आज महारथी बनाम यंगस्टर्स है, तो हमारे पास मिक्स टीम है। उम्मीद करते हैं आज हमारे महारथी फिर प्रूव करेंगे कि वो महारथी क्यों है, तो अगर हम सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़े, हम भाई टॉस रुचि जी ने भी कह दिया है कि हम जीत रहे हैं और हम पहले फील्डिंग कर रहे हैं, तो पहले गेंदबाजी की बात कर लेते हैं। आज अगर आज गेंदबाजी हम पहले करते हैं, आप पहले तो ये बताइए टीम में कोई चेंजेस देखते हैं या आपको लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है कि कोई ऐसा चेंज का, आप लास्ट मैच में देखिए ना, जिस पे उम्मीद ही नहीं थी कि वो चला, जैसे वो धोनी होते थे जो लास्ट मैच में फाइनल मैच में भी यूसुफ पठान को उठा कर लिया, एक भी मैच नहीं खिलाया यूसुफ पठान को लिया। गौरव जी एक चीज बता देता हूँ, यहाँ तक इस लेवल पे जब प्लेयर पहुंच जाता है वो कोई ना कोई हर तुरुप का पत्ता उसके पास होता है और इंडिया की टीम में ऐसे ऐसे तरकश हैं, वो कहीं भी कोई भी एक भी चल जाए तो वो पूरी टीम का रुख बदलने की काबिलियत रखता है। तो गेंदबाजी अगर आज हम करते हैं, आपके हिसाब से गेंदबाजी में कोई चेंजेस? चेंज आज लगता बनता भी नहीं है क्योंकि इन विकेट सॉलिड कंडीशंस में जो ज्यादा खेले हैं प्लेयर्स उन्हीं को खिलाना चाहिए, एकदम फ्रेश को चांस अभी नहीं देना चाहिए, यही टीम खेलनी चाहिए। तो अगर हम बॉलिंग करते हैं पहले, तो पेस अटैक की जिम्मेदारी बुमराह और भुवनेश्वर पे? बिल्कुल बिल्कुल, लेफ्ट हैंडर बैटिंग करते हैं उनके जो नए यंगस्टर हैं, एक अटैकिंग बैट्समैन है, तो उनके अगेंस्ट हम बुमराह से स्टार्ट कर सकते हैं जो बॉल को बाहर निकालते हैं लेफ्ट हैंडर के लिए, तो ये हमारे लिए एक अच्छा मूव हो सकता है। अब बहुत जरूरी होता है कि शुरुआत अगर आप गेंदबाजी से कर रहे हैं
तो शुरुआती कुछ ओवर्स में आपको विकेट मिले, शुरुआती कुछ ओवर्स में आप सामने वाले टीम के ओपनर्स को कम से कम या फर्स्ट डाउन जो आता है, अगर 10 ओवर में आप उन दो को वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बड़ा प्रेशर बन जाता है मिडिल ऑर्डर पे, जो है वो सामने वाली टीम पे दबाव बन जाएगा। गौरव जी, आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो आज का मैच है दोनों टीमों के लिए कंट्री वाइज तो है ही है, क्रूशियल इतना है, और हर कोई जो इस मैच में पेशेंस रख के, सबसे बड़ी बात है एकाग्रता बहुत जरूरी है इसमें, जो जितनी पेशेंस रखेगा वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। लास्ट मैचों में हमने देखा इंडिया ने काफी अच्छी पेशेंस भी दिखाई, और सबसे बड़ी बात है हमारे पास ओपनर बहुत अच्छे हैं, बॉलर्स की साइड बहुत अच्छी है, फील्डिंग एक आधे मैच को छोड़ के बाकी मैचों में जो फील्डिंग दिखाई है वो लगता ही नहीं है कि भाई यंग प्लेयर्स की नहीं है एक्सपीरियंस। एक मैच में ही अच्छी दिखाई, बाकी में नहीं दिखाई, ये गड़बड़ बात है। एक मैच में नहीं ठीक थी, मैं कह रहा हूँ बाकी मैचों में सब में अच्छी दिखाई है, सिर्फ एक मैच में थोड़ा सा लूज फील्डिंग मान सकते हैं कि थी, लेकिन उसके बाद उस कमी को पूरा कर लिया गया, और अब आज तो 100% कैचेस तो पिछले बांग्लादेश के साथ भी मैच में छोड़े, तो वो तो थोड़ा सा देखना भी होता है, थोड़ा छोड़ना भी होता है ताकि अगली बार भी टीम खेलने लायक आ सके, और पाकिस्तान के लिए तो एक आधी छोड़ भी देंगे ताकि उनका थोड़ा सा मोरल बना भी रहे। नहीं, ये तो दिल को बहलाने वाली बात है, फील्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि हाफ चांसेस को अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो ऐसे प्रेशर मैचेस में वो बहुत ज्यादा आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल पहुंचा सकता है, एक एक डिसीजन जो है फील्डिंग में रन आउट है, एक एक डिसीजन बदल देता है पूरे मैच को, जैसे कि आपने देखा एबी डिविलियर्स को आउट करके हम लोगों ने कितना ह्यूज टर्न आउट करा था, तो फील्डिंग पे राइट टाइम पे राइट जगह पर राइट फील्डर्स खड़े करना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास एक बैलेंस साइड है फील्डिंग में जो यंग और ओल्ड का मिक्स है, तो किस जगह किस यंगस्टर को लगाना है ये थोड़ा सोच के करें तो और बेटर होगा, थोड़ा सा सोच के करना होगा। चलिए एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो एक और खास मेहमान हमारे साथ होंगी, लेकिन उस पार होगा क्या क्या ये भी आपको बता देते हैं, थोड़ा सा हिंट दे देते हैं ताकि आपकी उत्सुकता भी बनी रहे। भाई हम देखेंगे कि दोनों कप्तान के सितारे क्या कहते हैं, हम देखेंगे दोनों देशों में किसका ज्यादा मजबूत पलड़ा है सितारों के हिसाब से भी, और टैरो कार्ड के एक्सपर्ट जो है वो हमें क्या बताते हैं। लेकिन जाते जाते भाई ब्रेक में जा रहे हैं, ब्रेक से आ रहे हैं तो आज तो ढोल बजता है, ढोल बनता है। इस शोर में शायद आपको सुनाई न दे, इस शोर में हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की सिसकियां भी दब जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान में जब ढोल नगाड़े बजेंगे जीत के बाद तो पाकिस्तान की सिसकियां दब जानी चाहिए। हमारे साथ प्रीतिका मजुमदार जी भी जुड़ गई हैं, प्रीतिका जी बहुत स्वागत है। तो हम ब्रेक पर जाने से बात करते थे पहले कि गेंदबाजी अगर हम करते हैं तो क्या क्या, लेकिन टॉस का एक व्यू ले लिया यहाँ रुचि रस्तोगी जी से। प्रीतिका जी आपसे भी चाहेंगे, टॉस कौन जीत रहा है आज इंडिया और पाकिस्तान में, अगर आपने कार्ड से वो पूछ के बता सकती हैं। हम देख लेते हैं टॉस कौन जीत रहे हैं। देखिए 50% इंडिया की चांसेस है टॉस जीतने की, पर अभी भी हम पूरे नहीं बोल सकते कि इंडिया टॉस जीतेगा, अभी 50% चांसेस है, पर कोई चिंता ना करें, हमारी इंडिया जीतने ही वाले हैं। जीतने ही वाले हैं, चलिए टॉस 50% जीत रहे हैं, मतलब 50% तो जीत रहे हैं, अभी पाकिस्तान के फेवर में नहीं है, टॉस हम जीते या ना जीते मैच जीतेंगे, टॉस जीते गेंदबाजी करें हमने अगर ये मान लिया। गेंदबाजी में हमने बात कर ली कि भाई बुमराह और अश्विन के कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, बुमराह और भुवनेश्वर के कंधों पर, अश्विन और जडेजा की अगर हम बात करें, मिडिल ऑर्डर्स की बात करें, मिडिल ऑर्डर्स में हमने देखा है कि अगर टीम धीरे धीरे ही सही मिडिल ऑर्डर गेंदबाजों पर हावी होती है तो टूवर्ड्स एंड बहुत मुश्किल हो जाती है फील्डिंग टीम के लिए। बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, आज हमें थोड़ा रणनीति हिसाब से करनी होगी, क्योंकि उन लोगों ने भी हमारी टैक्टिक्स को देखा है 3-4 मैचेस में, तो उसको आज हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर लगता है हमारे फास्ट बॉलर्स अफेक्टिव नहीं हो रहे हैं तो हम फर्स्ट चेंज स्पिनर्स को अश्विन को भी जल्दी स्टार्ट में ला सकते हैं और रणनीति में अपनी बदलाव कर सकते हैं। पावर प्ले में अगर जरूरत पड़ी तो अश्विन को हमने कई बार देखा है, क्या हम अश्विन को एक बार फिर से देख पाएंगे पावर प्ले में? बिल्कुल देख सकते हैं, लेफ्ट हैंडर्स अगर उनके कमांडिंग पोजीशन में खेलते हैं हमारे अगेंस्ट तो अश्विन को आप देख सकते हैं कि जल्दी आएंगे, अगर राइट हैंडर्स उनका कोई कमांडिंग पोजीशन में आपको लगा तो फिर जडेजा जल्दी आएंगे। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन का कि हम बात कर रहे थे पिछले मैच में भी हमने बात की थी कॉम्बिनेशन की, कि भाई दो गेंदबाज जब जोड़ी में गेंदबाजी करते हैं, और ये जोड़ी जो है वो इस वक्त दुनिया की सुपर हिट जोड़ियों में से एक है स्पिन में, स्पिन में इससे मजबूत जोड़ी किसी और टीम के पास आप देख पा रहे हैं इस वक्त?
गौरव जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछी आपने, और वाकई ही देखिए अब दोनों का, जडेजा का और अश्विन का इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है, दोनों इतने एक्सपर्ट और इतने जिसको कहते हैं नपी तुली बॉलिंग, जिसको कहते हैं बड़ी कंट्रोल्ड बॉल, जितना कंट्रोल इन दोनों के पास पिछले मैचों में आया है। और मैं ये तारीफ करूंगा जडेजा की, पिछले मैच में क्या फील्डिंग उन्होंने दिखाई है, कितनी उन्होंने कंट्रोल है दोनों का बॉलर्स का, तो ये पूरे मैं तो ये कहूंगा वर्ल्ड में इनसे बेस्ट स्पिनर कोई नहीं है दोनों में से इस वक्त, तो कम से कम ये जोड़ी जो है वो हावी है। इस जोड़ी में से ज्यादा बेहतर कौन परफॉर्म करेगा अगर हम सवाल पूछें, तो क्या ये मुश्किल सवाल होगा कि अश्विन ज्यादा विकेट लेंगे या जडेजा? मुझे इन दोनों के जो मुझे देख रहे हैं, दोनों ही तो बहुत उमदा खेलेगा, बहुत अच्छा खेलेगा दोनों ही, और सबसे ज़्यादा धोनी मुझे दिखाई दे रहे, विराट कोहली इन लोगों की ज़्यादा देख रही है, क्योंकि जो विराट कोहली की जो जर्सी नंबर 18 है, और विराट कोहली का जो डेट ऑफ बर्थ है 5/11/1988, तो आपकी और जो आज की डेट है वो भी 18 है, तो 18 और 8+1 9 हो रही है, ठीक है, और कोहली का जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आज के दिन कोहली के लिए बहुत शुभ है, कोहली बहुत अच्छा देंगे और बहुत अच्छा खेलेगा। और धोनी की जहां तक हम बात करें, धोनी के हो रही है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7/7/1981, तो यहाँ पे 3 7 आ रहे हैं, 7 और उसके बाद 7 जुलाई उनकी डेट मंथ है, और उसके बाद धोनी की जर्सी नंबर है वो 7 है, तो 3 7 उनकी जब एक साथ हो जाते हैं तो बहुत बढ़िया, वो आराम से कट के वहाँ से खेल के निकाल आएंगे, बहुत उड़ने वाले हैं हेलीकॉप्टर, आज बहुत उड़ने वाले हैं, टाइट होने, ये मैच बहुत टाइट होने जा रही है, बहुत टाइट होने जा रही है। और अभी रुक जाइए, अभी मैच के बारे में आएंगे, आपको सस्पेंस में थोड़ा रखेंगे कि मैच कैसा होने जा रहा है, मैच में क्या होने जा रहा है, उस पर हम आएंगे। उससे पहले हम चाहेंगे, हमारी प्रोड्यूसर है नीरू जी, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें निकाल के रखी है, वो उनसे हम चाहेंगे डेट ऑफ बर्थ वो अगर हमारे लिए लेके आ पाए, तो उनसे डेट ऑफ बर्थ के जरिए हम बहुत कुछ समझने की कोशिश करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी। नीरू अगर आप प्लीज दे पाए हमें तो थैंक यू। वैसे नीरू आपके हिसाब से मैच कौन जीत रहा है? इंडिया ऑब्वियसली, इंडिया ऑब्वियसली। और बेस्ट परफॉर्म कौन करेगा? धोनी से उम्मीदें ज्यादा हैं और विराट कोहली दोनों से ही उम्मीदें ज्यादा हैं। टॉस जीत के क्या करना चाहिए नीरू? टॉस जीत के पहले फील्डिंग करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका नीरू, इस शो के प्रोड्यूसर। ये डेट ऑफ बर्थ भी है हमारे पास कुछ प्लेयर्स की, लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो हम चाहेंगे कि हम फोकस करें, अगर हम पहले गेंदबाजी कर रहे हैं सोनू जी, तो हम कितना टारगेट मन में लेके चलेंगे, इससे पहले तो कम से कम पाकिस्तान को हमको रोक देना है? देखिए अगर हम स्टार्टिंग में उनके कुछ विकेट्स निकाल देते हैं वो बहुत मैटर करता है, अगर स्टार्टिंग में विकेट्स उनके 2 या 3 विकेट्स हम ले लेते हैं, वो कंटेन कर लेते हैं, तो उन्हें अराउंड 260-270 हम कंटेन कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनरशिप जाती है तो एक्सीड 300 भी आज की डेट में कोई डेंजरस स्कोर नहीं है, बड़ा इजीली चेजेबल है जिस हिसाब से हमारी बैटिंग लाइन है और जो पावर प्लेज के रूल्स हैं आजकल, सो 300 तक भी 315 भी चला जाए मैक्सिमम, तो हम उसके लिए भी तैयार है, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये फाइनल का प्रेशर कई बार हमने अश्विन जी देखा है कि फाइनल के प्रेशर में 260-270 का भी स्कोर जो है ना वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्या ऐसा महसूस करते हैं आप? गौरव जी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये जो 2020 मैचेस हम लोगों ने खेले हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, इन्होंने जो प्रेशर देना लेना वो बड़ा सीख लिया है। आप ये देखिएगा कि ये बुमराह है, ये जितने भी हमारे बॉलर्स हैं, कहाँ पे कंट्रोल करना है, किस ढंग से बॉल फेंकनी है, बैट्समैन को कहाँ खुलने नहीं देना, एक एक बॉल का आज के तरीके में बहुत महत्व रहता है। कोई टाइम होता था, आप याद कीजिए कि 60 ओवर में 183 में हम लोग वर्ल्ड कप जीते थे जब कपिल देव के टाइम, उस टाइम एक मिनट, आपने कपिल देव की याद दिला दी भाई, वर्ल्ड कप जीतने की याद दिला दी, आज फिर से जीत का मौका तो एक बार तो हो जाए। हमारे साथ कोई मेहमान फोन लाइन पे, हालांकि मैं नाम नहीं सुन पाया अपनी पीसीएस, हाँ प्रीति, चलिए हमारी सहयोगी प्रीति इस वक्त पहुंची है वहां।
जहां बहुत सारे युवा प्लेयर्स हैं, जहां बहुत सारे इंडियंस इस वक्त इकट्ठा हैं, और वो जोश वो जुनून सब नजर आ रहा है उनके बाद। प्रीति, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, वहां क्या माहौल है, क्या देख पा रहे हैं, लोगों से आप अगर आप बात कर रहे हो, उनका क्या कहना है? गौरव, मैं आपको बता दूं कि मैं स्पोर्ट्स क्लब में आ गई हूँ और यहाँ पर बच्चे जो है वो क्रिकेट भी खेल रहे हैं और साथ में इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो इनसे ही जानते हैं कि आखिर आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और कितना कुछ सोच रखा है इन्होंने कि 3 बजे से जो मैच है वो शुरू होने वाला है और क्या कुछ सोचा। आज इंडिया पाकिस्तान नाम ही काफी है। छोड़ो यार प्लीज, इंडिया जीतेगी और कौन जीतेगा? 400 का टारगेट देगी पाकिस्तान को, पहली बैटिंग आएगी और क्या। बस इंडिया, चिल्ला दो इंडिया इंडिया एक बार, इंडिया 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 इंडिया। और कोहली से क्या कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि कोहली एक मास्टर ब्लास्टर बैट्समैन है और उन्होंने हमेशा अपने अच्छे लास्ट मैच में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है और हम कोहली से उम्मीद करते हैं कि इस बार उनका शतक होगा। आज फादर्स डे का मौका भी है और इंडिया पाकिस्तान का मैच, जैसे कि पहले सहवाग कह चुके हैं कि पाकिस्तान हमारा बेटा है और हम उनके बाप हैं, तो आज ये भी साबित हो जाएगा। तो आज फादर्स डे इंडिया मनाने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी जीत के साथ। कोहली रेडी है, धोनी रेडी है, इंडिया इंडिया मौका है, मौका मौका। तो गौरव, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है फैंस का क्रेज इतना ज्यादा है कि इंडिया के अलावा और कोई आवाज जो है वो सुनाई भी नहीं दे रही, और मैं ये कह दूं कि दिखाई भी नहीं दे रही, सबके हाथों में बैट्स हैं, ग्लव्स हैं, सब ये चाहते हैं कि बस इंडिया और प्रीति आपके पास लौटेंगे। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी हैं, उनसे बात कर लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास हम लौट के आएंगे। वहाँ मौका मौका गा रहे हैं लोग। हाँ, मौका मौका, आज तो वाकई ही मौका, पुरानी यादें ताजा होने वाली बात है। हाँ, मैं गौरव जी एक चीज थोड़ा सा मेरे को पिछले मैचों में देख रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, जहाँ मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा जो हमारा बड़ा स्ट्रांग पॉइंट था कि युवराज को बॉलिंग क्यों नहीं किया, क्योंकि एक वो ट्रबल शूटर है, वो ऐसे टाइम पे हमेशा ही एक तुरप का पत्ता साबित होते थे। पता नहीं क्यों, क्या रीजन है, वर्ल्ड कप में भी उन्होंने पीछे बॉलिंग की है, इस बार उनको बॉलिंग का 5-7-10 ओवर बड़े आराम से बड़े अच्छी तरह से निकाल देते थे, इस बार अभी तक उनको बॉलिंग पे क्यों नहीं यूज किया गया, वो थोड़ा सा समझ से बाहर है। सोनू जी से पूछते हैं। सोनू जी, विराट से आपकी बातचीत भी हुई है कई बार और उनको ये भी पता है कि टीम को कैसे मैनेज करते हैं, अपने प्लेयर्स को कैसे इन्वॉल्व करते हैं, कुछ बात है जिसकी वजह से युवराज सिंह का इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं? देखिए, मैं खुद सरप्राइज हूँ जिस हिसाब से युवराज सिंह एज ए ऑलराउंडर जाने जाते रहे हैं, बॉलिंग बड़े क्रूशियल मौकों में उन्होंने की है वर्ल्ड कप में, तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा डाउट होता है कि हो सकता है कि कोई छोटी मोटी इंजरी ना हो शोल्डर को लेकर, कि जिसके कारण कि पूरी तरह वो महसूस ना कर पा रहे हो कि बॉलिंग में पूरे कंफर्टेबल ना हो, तो यही थोड़ा बहुत एक कारण हो सकता है जो मुझे लगता है शायद नहीं है ओपन अप हुआ है ये, उसके अलावा मुझे और कोई कारण दिखता नहीं। लेकिन पाकिस्तान बहुत तो पसंद है युवराज सिंह को, युवराज सिंह को क्यों कहे, पूरी टीम इंडिया को पसंद है भाई, उनके खिलाफ खेलते ही सबके जो सितारे हैं वो बुलंद हो जाते हैं। रुचि जी, महेंद्र सिंह धोनी क्या करने वाले हैं आज? आज महेंद्र सिंह धोनी कैसे रहने वाले हैं देखते हैं। महेंद्र जी की परफॉर्मेंस, उफ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज बहुत सारे कैचेस छोड़ने वाले हैं महेंद्र जी। अब मुझे यहाँ से थोड़ा बेस्ट ऑफ लक उनको बोलना पड़ेगा, थोड़ा लक साथ देना पड़ेगा उनको, यहाँ से थोड़ी गुड विशेस भेजनी पड़ेगी कि धोनी प्लीज गेट अप, ऐसे नहीं कर सकते आप आज के दिन, और थोड़ा चलाकी से खेलिए। कभी कभी थोड़ा थोड़ा चलाक, सेल्फिश होना पड़ता है और अपने बारे में सोचना पड़ता है। धोनी बहुत जेनरस लग रहे हैं आज के दिन, मैं उनको ये एडवाइस करूंगी कि प्लीज थोड़ा चलाकी से आज खेलिए, पूरी टीम पूरा देश आप पर निर्भर है भाई। ये थोड़ा सा सैड करने वाली सी बात है, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते और इसका जो है रियलिटी से कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक बातें हैं, काल्पनिक बातों से आगे निकल। आप अगर धोनी के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो आप बातें बता रही थी, वो बैटिंग में अच्छा करेंगे, कीपिंग में क्या सच में ऐसा कुछ गड़बड़ होने वाला आपके हिसाब से भी? धोनी के लिए हम कार्ड उठाते हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि धोनी का कोई, आप एकदम सही बोल रही हैं, बिल्कुल नहीं, धोनी का मेरे कार्ड आया है, देखो नाइट ऑफ कप्स आई है, धोनी का अच्छा रहेगा, और उसके बाद आई है नाइन्थ ऑफ कप्स आई है, ये भी बहुत अच्छा सही रहेगा, उसके बाद सिक्स ऑफ कप्स आई है, धोनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर मैं, मुझे एक चीज का डर है, सरफराज और सोहिब मलिक से मेरे हमारे इंडिया जो उनपे आएंगे, उनपे आएंगे, वापस आएंगे,
उन पर वापस आएंगे। धोनी के लिए चलिए हम उम्मीद करेंगे आप जो कह रही हैं वैसा ना हो और धोनी आपके बेस्ट विशेष के साथ जो है वो बेस्ट विशेष आपके वहां तक पहुंच जाए और धोनी ऐसा ना करें। यूं तो धोनी से कैचेस नहीं छूटते हैं, यूं तो धोनी वो असंभव सही चीज रहती है, जो तो कहते हैं ना अनहोनी को होनी कर दे, धोनी उसको कहते हैं। देखिए प्रेशर के बादशाह माना जाता है उन्हें, जितने भी प्रेशर सिचुएशंस हैं चेज करते हैं, उन्होंने प्रेशर को झेला, उनसे ज्यादा कौन जानता है वर्ल्ड में कि प्रेशर क्या होता है। तो मेरे हिसाब से कोई प्रेशर उन पर आया नहीं, एक नॉर्मल मैच की तरह खेलेंगे और विक्ट्री के लिए जाएंगे। चलिए हमने गेंदबाजी की बात की तो उसमें एक नाम छूट रहा है पांड्या का। अश्विनी जी पिछले मैच में पांड्या की बहुत पिटाई हुई, इस बार क्या होने वाला है? देखिए ये कुछ जरूरी नहीं है कि अगर एक मैच में बॉलर पिट गया तो वो ऐसा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, सबसे जो मजबूत जो मुझे कड़ी नजर आ रही है, देखिए धोनी का अपना एक्सपीरियंस है और अपना विराट का विराट रूप है, ये दोनों एक अपने आप में सबसे बड़ी बात है। आपस में डिस्कस करके कैसे स्ट्रेटजी, ये दोनों स्ट्रेटजी मिल के बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हम लोग कह सकते हैं। हम लोग ये कह सकते हैं पहले पांड्या के लिए बताइए, पिछले मैच में पांड्या पिट गए इसलिए भाग नहीं सकते उनसे, पांड्या के शॉर्ट पिच गेंदबाजी ज्यादा कर रहे हैं और कपिल को भी मैंने सुना, कपिल देव जी को वो कमेंट्री के वक्त भी कह रहे थे कि शॉर्ट गेंदबाजी के लिए भाई आपकी स्पीड होनी चाहिए, पांड्या के पास वो स्पीड नहीं है और वो शॉर्ट गेंदबाजी ज्यादा कर रहे हैं, क्या उनको गुड लेंथ की तरफ आगे बढ़ना चाहिए या थोड़ा और आगे यॉर्कर लेंथ की तरफ जाना चाहिए? देखिए पांड्या जी अगर हम लोग लेके चलें तो वो एक जिसको कहते हैं स्टेपनी है, वो एक ये नहीं है कि वो बॉलर ही है, वो ठीक है कि एक उसमें बैठ गए और जिसको हम लोगों ने यूज किया जाधव, क्या वो बॉलर थे जिन्होंने मैच का तख्ता ही पलट दिया? आप देखो ना 22 रन देके 6 ओवर में 22 रन देके जो क्रूशियल जो सबसे मैच को पलट रहे थे उन दोनों विकेटों को उन्होंने खाया। ये मैच है, क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा। वैसे तो लारा और सचिन के नाम भी बहुत सारे विकेट हैं और जयसूर्या के नाम भी विकेट्स हैं। एक बात बताइए पांड्या को क्या शॉर्ट गेंदबाजी करने को अवॉइड करना चाहिए या फिर बाकी जो टीम्स थी वो शॉट को अच्छा खेलती थी शॉट गेंदों को? पाकिस्तान के साथ भी वही प्रॉब्लम है जो कुछ दिनों पहले इंडिया के साथ है, शॉट गेंदबाजी पे वो विकेट जीत देंगे। नहीं ये अच्छी टैक्टिक हो सकती है अगेंस्ट एशियन टीम की, जो फॉरेन कंट्रीज टीम है जहाँ बाउंस ज्यादा है वो लोग कट पुल अच्छा खेलते हैं, एशियन टीम फ्रंट फुट पे ज्यादा रहते हैं हमारे प्लेयर, तो ये टैक्टिक हो सकती है आज के डे के लिए कि शॉर्ट बॉल को मिक्स करें। और जो मैं देख रहा था पांड्या कंसिस्टेंट छोटी बॉल डाल रहे थे, हो सकता है हम लोग तो टीवी में बाहर से देख रहे हैं, क्या पता ये पार्ट ऑफ द प्लान हो कैप्टन के साथ मिलकर, लेकिन थोड़ा बहुत ज्यादा ही प्रेडिक्टिव भी हो गए क्योंकि बार बार अब जा रहे हैं तो बैट्समैन तैयार है उसके लिए, उसको पता है ऑलमोस्ट हर दूसरी गेंद शॉट होगी, बहुत ज्यादा शॉर्ट बॉल डाल देते हैं वहां थोड़ा प्रेडिक्टिव हो जाते हैं। अगर इसको मिक्स करेंगे क्योंकि उनकी पेस डबल पेस है, उस डबल पेस पे जो शॉर्ट बॉल आएगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, लेकिन अगर उसे बहुत ज्यादा डालेंगे तो वो प्रेडिक्टेबल हो जाएगा, थोड़ा मिक्स करें तो बेटर रहेगा, थोड़ा मिक्स करें तो बेटर होगा। चलिए अब पांड्या साहब थोड़ा सा आपको बूस्टअप कर देते हैं, थोड़ा सा ढोल नगाड़ों की आवाज सुना देते हैं आपको और शायद आप में थोड़ा सा वो एनर्जी आ जाए, या एनर्जी थोड़ी बैलेंस करने की जरूरत है, ज्यादा एनर्जी है नहीं बैलेंस करें आज तो बेटर है, क्योंकि इसको एक मैच की तरह लें और देखें तो जो ओपोनेंट हमसे आज लड़ने आ रहा है चाहे वो हमारा जबरदस्त दुश्मन है लेकिन वो भी मैच जीत कर आ रहा है पीछे काफी पहली हार के बाद, तो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जैसे मजबूत टीमों को पटका मजबूत टीमों को हरा कर आ रहा है तो कॉन्फिडेंस उनका भी हाई है, तो पाकिस्तान के लिए भी बजा दीजिए। चलिए बस इससे ज्यादा पाकिस्तान को नहीं दे सकते भाई, हमारा पड़ोसी है, चलिए आप खेलने आ रहे हैं तो आपका स्वागत है लेकिन हारेंगे तो आप जरूर आप थोड़ा मैं यहाँ कंट्रोवर्शियल साउंड करूंगी शायद आपको, लेकिन अगर जहाँ इंडियन टीम अपने रन्स के लिए मानी जाती है हम ये ना बोले कि पाकिस्तान भी अपनी विकेटिंग अपनी फील्डिंग के लिए माहिर है और गेंदबाजी के लिए माहिर है तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना जाते हुए अगर रियलिटी ग्राउंड्स पे जाएं, मैं जानती हूँ लक सपोर्ट कर रहे हैं स्टार सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन एक्शन बहुत। अच्छा चलिए आप कैप्टन का बता दीजिए आज विराट कोहली के सितारे क्या कह रहे हैं? सितारे में ऑलरेडी देख चुके हैं आप सबके साथ भी शेयर कर देती हूँ कि आज तो वो छाने वाले हैं और उनकी जो स्ट्रेटजी है बहुत अच्छे से काम करने वाली है, लेकिन पाकिस्तान के अंडरडॉग्स भी खेलेंगे आज, इस चीज का ध्यान रहे, तो पलड़ा थोड़ा भारी होने वाला है, पाकिस्तान को ज्यादा अंडर एस्टिमेट ना करते हुए यहाँ पे कॉशन की जरूरत है। हमने पाकिस्तान के लिए ढोल बजाया बहुत अच्छी बात है, मेंटली प्रिपेयर होना है दोनों टीम्स की विन के लिए, मैं तो ये कहूँगी ना ये नहीं हो सकता, मैं ये
कहूंगी कि जहां पाकिस्तान अपनी फील्डिंग के लिए माहिर है वहां फील्डिंग कहां इंडिया की फील्डिंग पाकिस्तान की फील्डिंग से कहीं ज्यादा बेहतर है। बॉलिंग में आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, बॉलिंग में मैं मान सकती हूँ, लेकिन बॉलिंग इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द गेम एंड इट कैन कम्प्लीटली टर्न द गेम, इट कैन कम्प्लीटली टर्न द टेबल्स। तो आप उस चीज को अंडर एस्टिमेट ना करें और यहाँ पे पाकिस्तान को भी थोड़ा वेटेज देते हुए ये कहेंगे कि प्लीज थोड़ा चौकसी के साथ और अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ खेले, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ सकता है आज इंडियन टीम पे। कार्ड थोड़ा सा जैसे मैनिपुलेशन करते हैं, प्लानिंग तो है ना, प्लानिंग तो करते हैं ना, जैसे ये कह रहे हैं कि धोनी से कैच छूट सकती है, शायद कार्ड भी तो दूसरे छूट सकते हैं, थोड़ा कार्ड भी चेंज कर दे। मेरे कार्ड सपोर्ट करे, बेस्ट विशेस दे रही है, बेस्ट विशेस मैं दे रही हूं, कार्ड सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मेन आपका अगर 50-70% आपका गुड लक है तो 30% आपका कर्मा भी है, एक्शन तो आपको ही करना है, कार्ड आके ऊपर से आपको गेम नहीं जिता सकते। कोई बात नहीं, आपके पास आऊंगा रुचिका जी, मुझे एक बात बताइए प्रीतिका जी कि ये जो विराट कोहली के लक की आप बात कर रहे थे, विराट कोहली के स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, क्या ये सिर्फ एज अ कैप्टन बात है या बैटिंग में भी विराट का बल्ला आज फिर से वैसे ही चलने वाला है? देखिए विराट कोहली की आज बैटिंग में भी धुआंधार खेलने जा रहे हैं विराट कोहली, और उनकी जो स्टार्स है, उनकी जो नंबर है, उनकी जो जर्सी नंबर है और डेट ऑफ बर्थ है, सब मिला के विराट कोहली छा जाने वाले हैं, और जिस तरह से उनके जिस हिसाब से उन्होंने खेल रहे हैं उस हिसाब से विराट कोहली, अगर बुमराह और पांड्या की बात, पांड्या भी विराट कोहली जी का हमारे बात माने तो आज पांड्या भी अच्छा खेलने जा रहे हैं, बिकॉज पांड्या की जर्सी नंबर 33 और इनका 3+3=6, उसके बाद और ये 6 जून, ये जून होता है, आप देखे ये भी 6 मंथ है, ठीक है, आज खेलना आज की डेट है 18, तो 8+1=9, तो 6-6 फिर 9 की कॉम्बिनेशन हो रही है, तो आप पांड्या भी आज अच्छे खेलने जा रहे हैं। हाँ बस इधर थोड़ा सा ऐसा होगा अगर वेदर ठीक रहे तब तो सब कुछ ठीक ठीक रहेगा, नहीं तो ड्रॉ होने की थोड़ा चांसेस मुझे लग रहा है। लेकिन क्रिकेटिंग लैंग्वेज में मैं आपको समझा दूं कि ड्रॉ होने के चांसेस कम है, क्यों? क्योंकि डकवर्थ लुईस रूल्स जो है वो बहुत ज्यादा आजकल हम देखने को मिल रहा है, 20 ओवर का भी मैच हो गया तो भी किसी न किसी तरह से वो निकाल के हरा जिता दे किसी न किसी को। लेकिन पांड्या का जिक्र किया, पांड्या के सितारे बुलंद है, तो एक बार फिर से वही बात की उनकी जो कमजोरी पिछले मैच में रही, पिछले कुछ मैचेस में रही, वो आज स्ट्रेंथ बन सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर्स उतना अच्छा हुक और पुल शॉट नहीं खेलते हैं, शॉर्ट गेंदबाजी उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हमने पहले बात की कि उनकी जो बॉलिंग है वो थोड़ी डबल पेस्ड है, बाकी तेज डालते हैं, जो उनका शॉर्ट बॉल है वो सेम पेस पे नहीं आता, तो वो हमारे लिए आज एक बून भी हो सकता है अगर उसको थोड़ा समझदारी से इस्तेमाल करें। चलिए अब हम बैटिंग की तरफ चलते हैं, विराट कोहली की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि विराट कोहली क्या करने वाले हैं, विराट कोहली अब तक इस पूरे श्रृंखला में बहुत शानदार खेले हैं, एक मैच में बस आउट हो गए थे जल्दी, बाकी हर मैच में उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन उनसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी भाई ओपनिंग में तो हमने जो किया है इस टूर्नामेंट में वो किसी और टीम ने किया ही नहीं है, हर मैच में आ रहे हैं दोनों ओपनर और धुआंधार खेल के सामने वाली गेंदबाजी को जो है वो पहले ही बैकफुट पर लाकर रख दे रहे हैं। गौरव जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है आपने, आप ये देखिएगा जितने भी अभी तक मैच हुए हैं लेफ्ट और राइट का एक तो हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, और रोहित शर्मा का और ज्यादा वन क्या उन्होंने लास्ट उसमें मैच किया, और गब्बर हम लोग कह सकते हैं, गब्बर ने भाई अपनी गद्दारी गब्बारी सब दिखा दी है, उन्होंने जो दिखाया है अच्छे से अच्छे बॉलर्स को वो पिटाई की है कि वो बॉलिंग लेंथ वेंथ सब कुछ भूल गया है, और इस बार भी हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बैटिंग साइड तो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रांग है, अगर हम लोग पेपर्स में देखते हैं, हमारे कप्तान को देखते हैं, हमारी बैटिंग लाइन को देखते हैं, हमारी बॉलिंग, बाकी पे बाद में आएंगे, एक एक करके बात करेंगे। रोहित शर्मा, शिखर धवन, दो ओपनर्स टीम इंडिया के, और दोनों अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है दोनों ने, आज क्या हमें फिर से वैसी ही ओपनिंग पार्टनरशिप मिलने जा रही है? शिखर धवन और रोहित शर्मा दोनों आज मिलके जो रंग जमाने वाले हैं वो तो देखते ही बनता है। जो आपका सवाल है इस बार मैं आपको थोड़ा खुश कर देती हूँ कि दोनों बहुत अच्छे से खेलने वाले हैं। गौरव अभी तक मैं बहुत अपसेट कर चुकी हूँ आपको, लेकिन इस बार तो आपकी कार्ड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन का जवाब पूछा है, यस जैसे अभी तक उनकी पारी रही है डेफिनेटली ऐसे ही आगे भी बनी रहेगी। रोहित शर्मा को थोड़ा बकअप करना चाहूंगी मैं कि थोड़ा और अच्छे से खेले यहाँ पर, शायद वो थोड़ा लैक कर रहे हैं, लेकिन दे विल पुल इट अप, डोंट वरी। चलिए थैंक गॉड रुचि जी ने कुछ तो अच्छा कहा।
खैर अब तक जिस तरह से ये टूर्नामेंट गया है, दोनों ने बहुत शानदार गेम दिखाए हैं, आज इनके लिए आपकी प्रेडिक्शन क्या है, शतक कौन बनाएगा या दोनों बना रहे हैं? किन के बात बोल रहे हैं? रोहित शर्मा और शिखर धवन। देखिए रोहित शर्मा की जर्सी नंबर है 45 और रोहित शर्मा की हम कार्ड देख लेते हैं, कार्ड बोल रहे हैं ठीक है आज रोहित शर्मा ठीक ठीक खेलेगा, और हम शिखर धवन के लिए भी कार्ड देख लेते हैं, शिखर धवन भी आज मुझे ठीक ठीक ही लग रहा है, हाँ ठीक है पर ठीक है ठीक ही खेलेगा, दोनों ठीक ठीक खेलेगा, ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। शिखर धवन का 25 है जर्सी नंबर और दोनों ही ठीक खेलेगा, ऐसे मतलब बहुत अच्छा नहीं खेलेगा पर ठीक है, 100 रन ठीक खेलने का मतलब 100 रन की कम से कम ओपनिंग पार्टनरशिप तो मिल जाएगी, ठीक है ठीक हम तो हमारा काम हो जाएगा, 100 रन की पार्टनरशिप मिनिमम भी कर देते हैं जिस हिसाब से मैडम बता रहे हैं हमारे, तो वो हमारे लिए ठीक ठीक भी अच्छा हो जाता है 100 रन की पार्टनरशिप अगर हमारी ओपनिंग। उसके बाद जो लोग आते हैं उनको ठीक को अच्छा और बहुत अच्छा बनाना आता है, क्योंकि उसके बाद आते हैं विराट कोहली जिनकी हमने बात कर ली, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी है, उससे पहले युवराज है, युवराज एक बड़ा नाम, पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है इनको भी, यूं तो महेंद्र सिंह धोनी को भी है बाकी टीम को भी है लेकिन युवराज को विशेष लगाव है, विशेष प्यार है इनको, तो आज आपके हिसाब से युवराज के लिए क्या कोई नई स्ट्रेटजी लेकर आएंगे पाकिस्तानी टीम, क्योंकि पिछले मैच में बहुत पीटा था उनको? युवराज की आदत है भिगो भिगो के मारते हैं, वो थोड़ा सा ढीला दे के फिर उनको दिखाते हैं कि कैसे हैं। युवराज की जो एक नाम ही काफी है जिसको कहते हैं, अच्छे से अच्छे बॉलर्स उसको बॉल डालते हुए सोचते हैं कि कहाँ बॉल पिच किया जाए, किस बॉल को कहाँ पे वो छे मारते हैं, वो उन्होंने ऑलरेडी दिखा चुके हैं। जहाँ तक मेरा अपना ख्याल है ये जो 3 या 4 ओपन के जो बैट्समैन है हमारे बहुत स्ट्रांग है, 5 तक तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रांग है ये, और युवराज को मैं ये उम्मीद करूंगा आज कि अगर वो थोड़ा सा मौका मिले तो थोड़ा बॉलिंग में भी अगर वो हाथ दिखा सके अपने, तो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, अच्छे बैट्समैन तो है ही हैं, वो कहीं भी रुख पूरे टीम का पूरे मैच का पूरे बदलने की काबिलियत रखते हैं। ठीक है अब युवराज के कार्ड्स क्या कहते हैं उस पे चलेंगे, उसके बाद एक ब्रेक लेंगे, लेकिन इन सब से पहले भाई युवराज की बात हो रही है तो थोड़ा तो ढोल नगाड़ो की बनती है आवाज, युवराज बैट्समैन है जिसने 2 बार वनडे में डबल सेंचुरी लगाई है, वो एक ही है, वो चल गया तो डबल सेंचुरी भी दूर नहीं है, 2 बार ऐसा कारनामा वो कर चुके हैं, तीसरी बार भी हो जाए, हो सकता है भाई हो जाए तो एक बार हो जाए। धोनी की आवाज सुन रहे हैं, बस 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 ये इसलिए क्या बजा रहे हैं कि 2 बार दोहरा शतक जिस बल्लेबाज ने लगाया उससे हम उम्मीद थोड़ी कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज गए। प्रतिका जी मुझे एक बार बताइए पाकिस्तान की टीम की अब हम बात करेंगे, आप डरा रही थे थोड़ा, किससे डरने की जरूरत है? मुझे पाकिस्तान की जो प्लेयर है इनमें सरफराज से मुझे थोड़ा सा, मैं हमारे इंडियन प्लेयर को बोलूँगी थोड़ा सा सोच समझ के इनका थोड़ा सा इनके साथ खेले, और जुनेद ये भी काफ़ी मतलब अच्छा है, अच्छा खेलेगा, सोहेब मलिक तो बहुत ही अच्छा खेलने वाले हैं, तो बस सोहेब मलिक से और सरफराज से थोड़ा सा बच के रहे, थोड़ा सा आराम से ओवर कॉन्फिडेंस ना दिखाए, धीरे धीरे 1-2 रन करके ले, उसके बाद जाके एकदम पावर में आ जाए, पर धीरे धीरे एकदम 1-2 सीढ़ी चढ़ते चढ़े एकदम से नीचे से ऊपर की तरफ जोश से आके ऐसा कुछ ना खेले। मैं मेरे तो अगर ये सुन रहे हैं इंडियन प्लेयर्स तो मैं इन लोगों को सलाह देना चाहती हूँ, जरा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आके खेले, धीरे धीरे चढ़ते जाए, और जीत तो पक्का है, और मेरे प्रेयर उनके सब लोगों के साथ है कि हमारे इंडिया जीते, बस मैं यही चाहती हूँ, यही दुआ है मेरी, और बाकी हाँ वेदर की वजह से थोड़ा सा ड्रॉ होने के चांस है। वेदर ये वेदर जो है इंद्र देवता आज कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, क्योंकि इंद्र देवता को भी पता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है यार, कम से कम एक दिन की छुट्टी ले लो आप, कल कर लेना जो करना हो, आज छोड़ दो। मुझे एक बात बताइए सरफराज पाकिस्तान का कप्तान, उनके लिए आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? बिल्कुल देखती हूँ क्या कहते हैं। देखिए सरफराज तो डेफिनेटली आज छाने वाले हैं, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी सरफराज बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। एक्चुअली टीम के कप्तान होने के कारण बहुत ज्यादा प्रेशर में है, लेकिन प्रेशर में अच्छा खेलने वाले हैं।
उन्होंने अभी तक एक बार भी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं जीती है, तो ज्यादा प्रेशर है, इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है और उनको ये भी पता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में शायद यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमारे बन सकते हैं अगर इंडियन टीम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गई तो। एज अ कैप्टन बहुत अच्छा खेलने वाले हैं, प्लान करने वाले हैं, लेकिन बाय हुक और क्रूक जीतने की कोशिश करेंगे, तो थोड़ा सावधान होके यहाँ पर हमें उनसे डील करने की जरूरत है। सरफराज बड़ा नाम है, अपनी टीम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरफराज को अटैक करने के लिए क्या आपके हिसाब से क्या लेंथ होनी चाहिए, कहाँ बॉल? देखिए, बड़े डिसेप्टिव से प्लेयर हैं, बेसिकली चांस लेके बैटिंग करते हैं, सेंसिबल भी खेलते हैं बट चांस देते हैं। अगर आप पिछले मैच उठाएं उनके, तो उनके कैचेस ड्रॉप हुए हैं तो उन्होंने रन बनाए हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा राइट एरियाज में अगर उन्हें बॉल डालेंगे, कंटेन करेंगे हम, तो हम उनको उन पर काबू पा सकते हैं। सरफराज के लिए कौन सा गेंदबाज अटैक में लगाया जाए? सरफराज के लिए मिक्स करा जाए तो हमारे लिए सारे ही बॉलर अच्छे हैं वैसे तो, उनके भुवनेश्वर ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं, बॉल को मूव कराते हैं और थोड़ा बैट वो चलाते हैं डिसेप्टिव, तो बुमराह दूसरे कैसे बॉलर हैं, अपनी स्लोअर वन से उन्हें बीट कर सकते हैं। शुरुआत में ही भुवनेश्वर को शुरुआत के मान लीजिए 5-7 ओवर जब तक नई गेंद का फायदा मिलता है स्विंग के लिए, उस वक्त भुवनेश्वर को सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से लाइन लेंथ पकड़ के करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नई बॉल है तब तक उनको बहुत मदद मिलती है। देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी बात है जब भुवनेश्वर बॉल करते हैं वो उनकी, आप अगर पूरे ओवर्स देखें, पूरी बॉल देखें, हर बॉल में वैरायटी होती है, उनकी बॉल को समझना एक बहुत बड़ी पेचीदगी है, उनका जो बॉलिंग का वेरिएशन है, एक अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी उसमें गच्चा खा जाता है, 3 इन स्विंग मारी तो चौथी आउट स्विंग कर देते हैं, तो मैं ये कहना चाह, और एज वेल एज स्पीड में भी उनका वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, भुवनेश्वर की बॉल को समझना एक बहुत बड़ी मुश्किल, अच्छे से अच्छे बैट्समैन के लिए बड़ी मुश्किल बात है। भुवनेश्वर की बॉल को समझना मुश्किल काम है। हमारे पास दो डोली है, एक आप इस तरफ आ जाइए भैया, और दोनों तरफ बैलेंस करके ना जब बजेगा तो और ज्यादा मजा आएगा, आप यहाँ आके खड़े हो जाइए, थोड़ा लाइट भी पड़ेगा चेहरे पर, लोग भी देखें कि ये जो ढोल नगाड़े आप बजा रहे हैं जीत की खुशी में, जीत की खुशी में बजा रहे हैं, कौन जीतने वाला आज? इंडिया। इंडिया जीतेगी, जीतेगी तो कैसे बजाएंगे बताइए? भैया आपके हिसाब से कौन जीतेगा? इंडिया। और सबसे अच्छा कौन खेलेगा आज? युवराज। तो युवराज छक्का मारेगा तो कैसे बजाएंगे? भाई युवराज के सिक्सेस तो वर्ल्ड फेमस है, सिक्सर किंग भी कहा जाता है युवराज को। युवराज आज क्या करने वाले? आज युवराज की बैटिंग के बारे में पूछ रहे हैं या बॉलिंग के बारे में पूछ रहे हैं? बैटिंग जैसे उन्होंने अपना एक जमाया हुआ सिक्का बैटिंग में आज बिल्कुल धुआंधार खेलने वाले और पीटने वाले हैं पाकिस्तान को बुरी तरीके से बैटिंग से। अब आप अच्छी बातें कर रही हैं। अब अच्छी बातें कर रहे हैं युवराज। मैं आपको बोलना चाहती हूँ, युवराज हमारे पुराने खिलाड़ी है और सबकी उम्मीद उनके साथ जुड़े हुए है, और डेफिनेटली युवराज के कार्ड भी बहुत अच्छा, ये 7th of 1s बहुत बहुत बेहतरीन कार्ड आया है युवराज के लिए। युवराज बहुत अच्छा खेलेगा अगर उनकी हेल्थ इशू अगर कुछ ना हो तो, अगर उनकी अभी जैसे उंगली में उनकी फ्रैक्चर कुछ प्रॉब्लम था, उनकी हेल्थ इशू अगर अब कुछ नहीं है तो उस हिसाब से मेरे जो अभी भी दीम परर ये भी आई है, ये भी बहुत अच्छा कार्ड है, युवराज अच्छा खेलने वाले हैं। और युवराज की जहाँ तक हम जो जर्सी नंबर भी हमने देखा है, युवराज का जर्सी नंबर नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं, जर्सी नंबर की जरूरत ही नहीं है, युवराज अपने आप में काफी है। सर एक बात बताइए, मिल गया युवराज के जर्सी नंबर है 12 और आज है 9, तो 9 एंड 12 की कॉम्बिनेशन, और युवराज की डेट ऑफ बर्थ है 12/12/1981, तो 12/12 फिर से 2+1=3 और फिर उनकी मंथ है वो भी 12 है 3, ठीक है, और उनकी जर्सी नंबर 3, तो तीनों और 3 प्लस आज है 9 8+1=9, तो बहुत अच्छा उमदा खेलने वाले है। युवराज की हमने बात की, आमिर और जुनैद ये दो नाम, क्या इनको सी ऑफ करना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर्स में ये देंगे, मिडिल ऑर्डर में ये डालेंगे, देखिए शुरू में बॉल डालेंगे, बीच में डालेंगे हसन और जुनैद डालेंगे बीच में, हसन अली जो हैं तो वो एक बॉलर हैं, विकेट जरूर ले गए हसन अली,
तो उनको देखा जाए तो जो उन्होंने विकेट्स ज्यादा लिए हैं उनको अटैक करने गए हैं जब मोस्टली बैट्समैन, क्योंकि वो दोनों के मुकाबले थोड़ी हल्की पेस डालते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ बैट्समैन उनको आउट हो गए, तो इनको भी कैच कर सकते हैं, बट ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, थोड़ा संभल कर खेले। स्पिनर्स ने पाकिस्तान का काम किया है अभी अभी तक जितने मैचेस हमने देखे, स्पिनर्स ने काम किया, लेकिन स्पिनर्स को हम कहते हैं कि हम बहुत अच्छा खेलते हैं, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट चांस लेने की जरूरत है मिडिल ऑर्डर। देखिए डिपेंड करता है उस टाइम सिचुएशन कैसी है, अगर हमारे कम विकेट गिरे और सेट बैट्समैन खेल रहा है और इनके जो स्पिनर्स हैं वो क्वालिटी स्पिनर्स नहीं मैं काउंट करता, इमाद हैं और हाफिज हैं, वो पार्ट टाइम सॉर्ट ऑफ मैं इनको गिनता हूं, तो अगर विकेट हाथ में है और एक सेट बैट्समैन खेल रहा है तो इन पर अटैक किया जा सकता है। इनके स्पिनर्स को अटैक करें या पेसर्स को, शुरुआत में ही इतने शॉट्स लगा दें और हमारे ओपनर्स गेंद को इतने थप्पड़ मार दें कि उनका बैलेंस बिगड़ जाए और लाइन लेंथ सब बिगड़ जाए, ऐसा करें? हमारे, मैंने पहले कहा है, हमारे ओपनर जिस हिसाब से अभी तक बैटिंग कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बॉलर्स की लेन एंड लेंथ बिगाड़ दी है उन लोगों ने, और जैसे ही शुरुआत में ही ओपन जो हमारे अपना रोहित को ले लीजिए या अपना गब्बर को ले लीजिए, ये दोनों जिस ढंग से बैटिंग करते हैं, शिखर धवन को ले लीजिए, ये दोनों इस ढंग से बैटिंग करते हैं कि अच्छा बिल्कुल प्रेशर बॉलर्स का अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देते, वो शुरू में पिटाई हुई वो आगे तक चोट जो है वो सहलाती रहती है, बड़ा असर रहता है देर तक। आमिर एक खतरनाक नाम है पाकिस्तान की गेंदबाजी में, पिछले मैच में उनको चोट जरूर लगी थी और इस मैच में वो वापस आ सकते हैं, ज्यादा चांसेस हैं, क्या कहते हैं कार्ड? ये कह रहे हैं मेरे कि आज आमिर थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर खेलने वाले हैं, अगर वो खेले भी आज के दिन तो उस हिसाब से नहीं खेल पाएंगे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है टीम की तरफ से, तो शायद अपनी हेल्थ को भी ध्यान में ना रखते हुए हेल्थ को इग्नोर करें और कोशिश करें खेलने की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आमिर से कोई ऐसा खतरा है, क्योंकि जो वो चाह रहे हैं वो उनका एम पूरा नहीं हो पाएगा, चाहे वो कितना भी धुआंधार बॉलिंग करें लेकिन एम पूरा नहीं होने देगी इंडियन टीम। अब आप अच्छी अच्छी बातें करें, ये मुझे बहुत पसंद आ रहा है। आमिर का आपने जिक्र किया था, आमिर आज कैसा परफॉर्म कर सकते हैं? आमिर का कार्ड हम देख लेते हैं, ओहो हाँ, नाइट ऑफ पेंटागल्स, इनके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, और हम एक और देख लेते हैं, ये भी सेलिब्रेशन का मौका देंगे आमिर, अच्छा इंडियन टीम को, इंडियन टीम को सेलिब्रेशन का मौका देंगे, ये इंडियन टीम को मौका देंगे सेलिब्रेशन का, चलिए ये अच्छा है। ये अब कार्ड से इनको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सेलिब्रेशन का अगर कार्ड है तो सेलिब्रेशन पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, इंडियन टीम के लिए भी हो सकता है, हम तो यही मान के चलेंगे कि आमिर सेलिब्रेशन का मौका दे, खूब नो बॉल करे, खूब वाइड करे, खूब शॉर्ट पिच डाले। हाँ तो सेलिब्रेशन तो इंडिया का ही होगा, और आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज जो सबसे ज्यादा कमाई होगी बाद में, क्योंकि पाकिस्तान में जो टीवी टूटेंगे नए टीवी आएंगे, टीवी वालों की ज्यादा कमाई होने के चांसेस है, तो हथौड़े और टीवी आज पाकिस्तान के ज्यादा, हाँ इंडिया में बम पटाखे जरूर छूटने वाले हैं उनका, बोल लगाड़े भी बजने वाला भाई। अब जीत की बात हो गई, एक बार फिर से जरा भैया मोबाइल मोबाइल ने हिंदुस्तान को जो है दूसरा, अगर हम बैटिंग करते हैं पहले क्या टोटल होना चाहिए? बैटिंग करते हैं तो 320 तक हम जाएं, बिल्कुल ही किल करने की कोशिश करें गेम को, जो हमारी स्ट्रेंथ है हमारी बैटिंग लाइनअप, थोड़ा सा समझदारी से जैसे खेलते आ रहे हैं ओपनर्स, पहले स्लो स्टार्ट लेते हैं बाद में अटैक करते हैं, तो सेम थ्योरी होनी चाहिए, थोड़ा संभल कर खेलें, विकेट्स हाथ में रखें और उसके बाद अटैक करके 320 प्लस, तो मेरे हिसाब से अगर हम जैसी हमारी बैटिंग लाइनअप है अगर वो पूरा क्लिक करती है पहले बैटिंग करते हुए, 350 रन हम आराम से बना सकते हैं, 350 रन बना सकते हैं, 350 रन बना दिया तो भाई मैच मुश्किल जरूर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन आज के डेट में कोई भी अनचेजेबल नहीं टारगेट कर सकते हैं, जब साउथ अफ्रीका 400 पार का स्कोर चेज कर सकती है तो कुछ भी हो सकता है। अश्विनी जी पहले बैटिंग क्या स्कोर आपके साथ? जहाँ तक बैटिंग का सवाल है, ये बैटिंग पिच है, आप देखिए कि स्कोर ज़्यादा प्लेन पिच है सरफेस है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 360-370 भी कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक नॉर्मल बात है कि 360-370 स्कोर इजिली होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चेहरे पर एक्सप्रेशन कुछ और बोल कुछ और, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो 400 भी सोच सकता हूँ।
चार तो ये इंडिया का फैन, इसको कहते हैं इंडियन। अब नजदीक आ गया टॉस का टाइम, प्रतिका जी एक बार और अपने कार्ड से पूछे, हो सकता है तब देर थी तो वो नहीं प्रेडिक्ट करना चाह रहे हो, अब जरा पूछिए एक बार और कौन टॉस जीत रहा है। देखिए मेरे कार्ड अभी ये बोल रहे हैं कि हाँ अभी इंतजार और कर ले, क्योंकि अभी भी मेरी 50-50% चांसेस लग रही है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैं विश करती हूँ इंडिया टॉस जीते। लेकिन सुची जी आपके कार्ड्स बहुत अच्छा बोलते हैं टॉस के बारे में, आपने कह दिया हम टॉस जीत रहे, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर टॉस का वक्त भी नजदीक आ जाएगा और जब लौटेंगे तो कुछ और खास पॉइंट्स कि कौन कौन से वो पत्ते हो सकते हैं, तुरुप का इक्का जिसको कहते हैं, इंडिया के लिए कौन हो सकता है, पाकिस्तान के लिए कौन हो सकता है। भाई ब्रेक पे जाना है तो कैसे जाते हैं हम ढोल के साथ, भैया ब्रेक पर चलना है, कैसे जाएंगे ब्रेक पर जरा बताइए। बस ब्रेक से हम लौट आए हैं और जब ब्रेक से लौट आए हैं तो हमने जो वादा किया था आपको कि भाई क्योंकि अब टॉस होने में बहुत कम वक्त बच गया है तो जो तुरुप के इक्के हो सकते हैं आज दोनों ही टीमों की तरफ से एक एक करके अपने एक्सपर्ट से वो जान लेते हैं। और एक और सवाल है वो आखिरी में पूछूंगा, पाकिस्तान की तरफ से तुरुप का इक्का कौन होगा? मैं तो चाहूंगा कोई तुरुप का इक्का ना हो उनका, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बेस्ट कौन खेलेगा उनमें से आपस में, अंधों में काना राजा कौन? अंधों में काना राजा मैं कह सकता हूँ मोहम्मद आमिर हो सकता है, हालांकि वो फिट बहुत ज्यादा होंगे इसकी मुझे चांसेस कम लगते हैं। आपके लिए थोड़ा बची खुची तो जिसको कहते हैं मिली जुली सी हो रहेगी, अगर ऐसा हम कह सकते हैं कि कोई तुरुप का पता ऐसा मुझे कोई नजर नहीं आता। आपके लिए पाकिस्तान से कोई काज आमिर को सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा खेलेंगे, अनकंफर्टेबल रह के भी पूरी कोशिश करेंगे अपनी टीम को जिताने के लिए, तो मेरी तरफ से भी मोहम्मद आमिर। आमिर आपकी तरफ से? मेरी तरफ से फकर जमा, सोहिब मलिक और जुनेद। हाँ अमित तो है ही है, पर मैं ऊपर वाले से ये विश करूंगी कि हमारे इंडियन जो क्रिकेटर्स है इन लोगों के सामने कुछ नहीं कर पाए, और मतलब उनके उनके जो जो उनके जो बल्ला और उनकी जो बैटिंग ये कुछ नहीं चलने वाली, इनके हाथ सब लॉक हो जाए, बस सब जम जाए, बस ये यही इंडियन फैन होता है और ये ऐसे ही कहता है भाई। अब भाई प्रेडिक्शंस बहुत हो गए, कुछ भी हो जाए लेकिन हम चाहते नहीं है कि कोई चले। इंडियन टीम से अगर शुरू करें की बात करें, आज एक प्लेयर, हालांकि बहुत मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ, एक प्लेयर जो आपको लगता है, जो आपको इंट्यूशन हो रहा है कि आज ये गेम पलट देगा, कौन होगा वो? द ग्रेट कोहली। आपके लिए बॉलिंग में मैं कहना चाहूंगा अश्विन, आज अलग ही जरा चमक के आएंगे। चलिए आसान कर देते थोड़ा, बॉलिंग में कौन? बॉलिंग में मैं बुमराह के साथ हूँ। बैटिंग में कौन? बैटिंग में मैं आज ओपनर अपना रोहित शर्मा के साथ। आपके हिसाब से टीम इंडिया में बैटिंग में आज सबसे ज्यादा किसके? मेरे कार्ड तो रोहित शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके? मेरे कार्ड रोहित शर्मा के साथ है। ये 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 जो एक वॉर चल रहा है, ये जो कंपटीशन सा चल रहा था यहाँ, खेलने जा रहे हैं आज और बहुत आज खेलेंगे, ऐसे बहुत धुआंधार खेलने वाले हैं बुमराह आज। बुमराह भी बहुत धुआंधार। गेंद गेंदबाजी में आपको कोई आइडिया कौन चल सकता है? क्रिकेट देखती हैं आप? क्रिकेट बहुत कम देखती हूँ, लेकिन जितना आज यहाँ पे एनालाइजिंग हो रहा है सबको, जितना सुन चुकी हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं बॉलर्स के नाम लेता हूँ, आप बताना मुझे उसमें से। आप शुरू करते हैं, अश्विन, जडेजा, आगे बोलू भुवनेश, पांड्या और एक छूट गया बुमराह। ओके, तो पहले जो दो नाम लिए हैं आपने अश्विन एंड अनदर नेम, ये दो बहुत अच्छा खेलने वाले हैं। कौन था अश्विन? लिया था एंड देयर वन अनदर नेम,
फर्स्ट टू कास्ट मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर रहे हैं, तो अश्विन तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आज धुआंधार बॉलिंग कर रहे हैं। इन्होंने बुमराह कह दिया, आपने अश्विन कर दिया, स्पिन भी चल गया, पेस भी चल गया, बचा क्या पाकिस्तान के लिए लूज करने के लिए। अच्छा, अब टॉस अब थोड़ी देर में होने वाला है। टॉस, जैसा आप ब्रेक में कह रहे थे कि ऐसे प्रेशर मैचेस में टॉस कई बार हारना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आप फिर ऐसे सिचुएशन में नहीं होते जहां आपको डिसाइड करना पड़े, जहां आप डबल माइंड में जाएं, तो क्या टॉस हार भी गए तो भी अच्छा है? कोई मैटर नहीं करता। अगर देखिए, सबसे बेटर मैटर करता है विकेट कैसा है। विकेट ये दोनों टाइम में एक जैसा रहने वाला है, बड़ा हार्ड बैटिंग विकेट है तो ये चीज मैटर ही नहीं करती। कई बार ये बून होता है टॉस हारने से, आप पर से प्रेशर हट जाता है कि चाहे वो बैटिंग दें या बॉलिंग दें तो आपको तो जीत के लिए जाना है। विनिंग टीम टॉस वाली पे कई बार प्रेशर आ जाता है कि क्या करें। टॉस की बात कर रहे हैं बार बार, बस थोड़ी देर में टॉस होने वाला है, टॉस जीते तो क्या, तो हमने बात कर लिया, अगर हार गए तो क्या उसका असर पड़ेगा इंडियन टीम के लिए? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि बड़ी जिसको कहते हैं एक्सपीरियंस्ड टीम है इंडियन टीम, और इतने मैचेस खेल चुकी है, इतने जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे सबका अपना अपना इतना ज्यादा उनसे, मैं कह रहा हूँ हर प्लेयर का ऑलमोस्ट 10 to 15 टाइम्स ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो जो एक्सपीरियंस होता है, जो तजर्बा आता है, वो अपने आप में बहुत मेहनत, वो बहुत काबिलियत रखता है, जिसको कह सकते हैं कि बहुत मायने रखता है। तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो इंडियन टीम है उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि इनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक दो पॉइंट कह सकते हैं कि अगर टॉस जीत जाते हैं तो थोड़ा सा प्लस पॉइंट हमारे इंडियन की तरफ होगा। ठीक है, एक सवाल जिसका जवाब हम शुरू से ढूंढ रहे थे और मैंने कहा था कि हम उसका जवाब देंगे एंड में, भाई पाकिस्तान के फेवर में क्या कार्ड्स आ रहे हैं और हिंदुस्तान के फेवर में क्या कार्ड्स आ रहे हैं। उससे बीच में टॉस जीत लिया हिंदुस्तान ने, ये खबर आ रही है, तो टॉस, रुचि जी टॉस तो कम से कम जीत गए हैं और फील्डिंग करने का फैसला किया, तो भाई एक बार जोरदार तरीके से हो जाए, यहाँ आ जाओ, टॉस जीत गए, टॉस जीत गए, टॉस जीत गए। चलिए तो भाई टॉस हम जीत गए हैं और अब हमने फील्डिंग का भी फैसला कर लिया है। 100 में से कितने मार्क्स टीम इंडिया को, जल्दी जल्दी? 100 में से 100 ही दूंगा मैं। 101 100 में से 100। चलिए, तो हमारी दुआएं भी है टीम इंडिया के साथ, आप एक बार फिर से यहाँ आ जाइए। और इस हक में इतना ही, क्योंकि आप सब जाइए जल्दी जल्दी तैयार हो जाइए, चिप्स कुरकुरे नमकीन जो जो अरेंज करना है जल्दी जल्दी कर लीजिए। हाई वोल्टेज मैच तो होने वाला है और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो फाइनल, वो भी संडे के दिन, तो सुपर संडे तो बनता है भाई। और लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये कि फिर घुटने टेकेगा पाकिस्तान। हो जाए भैया।